नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर। बात बहुत पुरानी नहीं है। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति क्षीण हो रही थी। उधर दक्षिण में मराठों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। मराठों के नरेश सतारा में रहते थे, पर वे नाम मात्र के ही राजा थे। सारी शक्ति प्रधानमंत्री पेशवा के हाथों में थी। पेशवा की आज्ञा से मराठा सरदार दक्षिण की सीमा पार कर उत्तर पर भी अधिकार जमा रहे थे। मालवा और राजस्थान के अनेक राज्य मराठा सेनाओं ने जीत लिए थे। इनमें से कुछ राज्य पेशवा बाजीराव ने अपने सेनापतियों को जागीरों के रूप में दे दिए थे, और इन्हीं में से एक थे मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली। उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की स्थापना की। उनका एकमात्र पुत्र था खंडेराव। खंडेराव पिता जैसा पराक्रमी नहीं था और न ही उसकी राजकाज में अधिक रुचि थी। इसीलिए मल्हार राव ऐसी पुत्र वधु चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और होलकर राज्य दोनों को ही संभाल सके। एक बार एक मुहिम से लौटते हुए उन्होंने एक छोटे से गांव चौड़ी में पड़ाव डाला। शाम का समय था। गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। मल्हार राव कुछ समय के लिए ठहर गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आहा, कैसी प्यारी बालिका है, कितना सौम्य सुंदर चेहरा है। 7-8 वर्ष की इस नन्ही सी उम्र में ही चेहरे पर कैसी शांति, कैसा तेज है। क्यों भाई जी, ये बच्ची कौन है? आप परदेसी मालूम होते हैं। हाँ, परदेसी ही हो। जब ही तो नहीं पहचानते। ये हमारे पटेल माणको जी शिंदे की बेटी है अहिल्या भाई। वो जो उधर खड़े आरती ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। तो उनसे परिचय करता हूँ जी। नमस्कार पटेल जी। नमस्कार श्रीमान। क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे, मैं पहली बार आया हूँ इस गांव में जी। पेशवा का सेवक हूँ। मेरा नाम मल्हार राव होलकर है। अहो धन्य भाग्य हमारे, शौर्य रण कौशल में अद्वितीय सेनापति होलकर का नाम किसने नहीं सुना। आप यदि आज रात कृपा करके हमारे अतिथि हो तो हमारा गौरव बढ़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। एक क्षण रुकें श्रीमान, मैं अपनी बिटिया को साथ ले लूं। अहिल्या, बेटी अहिल्या।
जी बाबा। इन्हें प्रणाम करो बेटी। आप पेशवा के दाएं हाथ श्रीमंत मल्हार राव होलकर जी हैं। प्रणाम करती हूँ श्रीमान। आयुष्मती हो बेटी, राज रानी बनो। मल्हार राव को वो सांवली सलोनी बालिका इतनी भा गई कि वे उसे अपनी पुत्र वधु बनाकर ले गए। गांव की बालिका अहिल्या होलकर राज्य की राजरानी बनी। पिता के यहां उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार मिला था। ससुराल में आकर जल्दी ही अपने मधुर व्यवहार से उसने अपने सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। सास की देखरेख में उसने घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। इस बीच उनके एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई भी हुई। अहिल्याबाई के संपर्क से खंडेराव के स्वभाव में भी अंतर आया और वे भी राजकाज में दिलचस्पी लेने लगे। योग्य शासन प्रबंध से प्रजा सुखी और समृद्ध थी और अहिल्याबाई के तो सभी प्रशंसक थे। तभी सूरजमल जाट से युद्ध करते हुए खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई सती होना चाहती थी पर उनके ससुर मल्हारराव ने कहा, नहीं 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 बेटी, नहीं, अब तू ही मेरा बेटा है। तू चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटी। लेकिन पिताजी, उनके बिना मैं। देख बेटा, ये सारा राजपाट तेरा है, तुझे ही इसे संभालना है। अब तक भी मैंने तुझे ही अपना लड़का समझकर सब कुछ सौंप रखा था। बेटी, तू रहेगी तो मैं समझूंगा मेरा खंडेराव अभी जिंदा है। तुझे देखकर मैं सारा दुख भूल जाऊंगा। बेटी, सती होने की बात भूल जा, तू तो महासती है। तू हम सबके लिए, सारी प्रजा के लिए जीवित रहेगी। बेटी, तू जीवित रहेगी तभी तेरा ये बूढ़ा बाप जीवित रह सकेगा। मल्हार राव की ये अवस्था देख अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होलकर राज्य की बागडोर अपने सुयोग्य हाथों में संभाल ली। कुछ दिनों बाद वृद्ध मल्हार राव भी चल बसे। अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माले राव को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया, उसकी शादी की और उसे राजगद्दी सौंपी। देखो बेटा, तुम एक तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति के वंशधर हो, तुम्हें सरदारी का विचार कर राज्य चलाना चाहिए। विवेक के द्वारा कामकाज में चित्त लगाकर जिस प्रकार कैलाशवासी महाराज मल्हार राव राज्य करते आए थे, वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। दूरदर्शिता से काम लेकर पितामह से भी अधिक कीर्ति प्राप्त करने में ही तुम्हारा गौरव है। लेकिन अहिल्याबाई का यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका। राज तिलक के कुछ ही दिन बाद मालेराव ऐसा बीमार पड़ा कि फिर उठ न सका। मात्र 22 साल की आयु में उसका स्वर्गवास हो गया। इकलौते बेटे की मृत्यु का अहिल्याबाई को अपार दुख हुआ, लेकिन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर
उन्होंने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ डाले और राजकाज में लग गईं। इसी समय होलकर राज्य के एक पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वासपात्र राघोबा को पत्र लिखा कि होलकर राज्य इस समय स्वामीहीन है, तुरंत आइए, बड़ा अच्छा मौका है। अहिल्या बाई को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उन्होंने घोषणा करवा दी कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। सेनापति तुकोजीराव ने राजमाता को पूरा सहयोग दिया। राजमाता अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और रसद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजे। पेशवा माधवराव के पास भी सारी जानकारी भेज दी। सभी ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और पेशवा ने भी उन्हीं का पक्ष लिया। इसके साथ ही अहिल्याबाई ने एक सर्वथा नवीन प्रयोग किया। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की और उसे अस्त्र शस्त्रों का पूरा प्रशिक्षण दिया। अब वे राघोबा की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने राघोबा को संदेश भेजा, सावधान, आपकी सेना के क्षिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर आगे कदम बढ़ाना। आप सेना लेकर मेरा राज्य छीनने आए हैं, पर आपकी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। आपने मुझे अबला समझा है, पर मैं कैसी अबला हूं इसका पता आपको रण क्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी। मैं हार गई तो मेरी हंसी कोई नहीं उड़ाएगा, पर आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर एक अबला पर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा। इन सारी बातों का विचार कर लड़ाई का मौका नहीं लाएं तो ही अच्छा है। पेशवा के विश्वास पात्र राघोबा को राजमाता अहिल्याबाई का संदेश मिला तो वो चिंता में पड़ गए। बाप रे, ये क्या अबला का स्वर है? अरे ये तो शेरनी है, शेरनी। अरे राघोबा दादा, आप तो व्यर्थ ही घबराते हैं। अहिल्याबाई कुछ भी कह ले, आखिर हैं तो स्त्री ही। रण क्षेत्र में आपकी सेना का मुकाबला कैसे करेंगी भला? देखो चंद्रचूड़, मैं तुम्हारे कहने में आकर अपने आप को काफी उपहास का पात्र बना चुका हूं। तुम कहते थे होलकर वंश में कोई पुरुष नहीं बचा, राजमाता शोक में डूबी हैं, युद्ध क्या करेंगी? होलकर राज्य पके आम सा आपकी झोली में टपक पड़ेगा। लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए। राजमाता मुकाबले के लिए तैयार है, और वो भी स्त्रियों की सेना के साथ, और ऊपर से उनका वो सेनापति तुकोजी मल्हार राव के साथ युद्ध कौशल सीखा हुआ पुराना सैनिक है। उससे लड़ाई जीतना कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। लेकिन दादा, आपके पास इतनी विशाल सेना है, आप युद्ध से डरते क्यों? बस बस रहने दो, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। ऐसे ही बहादुर थे तो अपने बूते पर होलकर राज पर अधिकार क्यों नहीं कर लिया? लेकिन दादा, बस बस तुम चुप रहो। और देखो, मेरा ये संदेश राजमाता अहिल्याबाई के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। कहिए क्या संदेश है। यथा योग्य के बाद कहला दो कि हम कोई लड़ने नहीं आए। हम तो आपके इकलौते बेटे माले राव की दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर संवेदना प्रकट करने आए हैं। आप सब व्यर्थ धारणाएं बना बैठे हैं। जब अहिल्याबाई को संदेश मिला तो उन्होंने उत्तर दिया, शोक प्रकट करने आए हैं तो इतनी बड़ी सेना क्यों साथ लाए हैं? शोक ही प्रकट करना है तो आप अकेले पालकी में बैठकर आइए,
हम, हमारा घर, हमारी सेना, लाव, लश्कर कोई आपसे अलग नहीं है। आप पहले की तरह आइए और आराम से यहां रहिए। राघोबा बाजी हार चुका था। एक पालकी में बैठ अपने 5-7 सरदारों के साथ वो तुकोजी के पास आया। तुकोजी ने श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया। सब साथ साथ इंदौर आए। अहिल्याबाई ने बड़े आदर से राघोबा का स्वागत सत्कार किया। इस तरह राज्य पर आए इस भीषण संकट को उन्होंने अपने साहस और सूझबूझ से दूर कर दिया। इसके बाद तो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपने राज्य से डाकुओं और पिंडारियों का संकट मिटा दिया। जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां यात्रियों को लूटती थीं, उन्हें ही उन वनमार्गों का संरक्षक बना दिया। विद्वानों, व्यापारियों और हस्तशिल्पियों को राज्य की ओर से संरक्षण दिया। वो इंदौर का राजमहल छोड़कर तीर्थ स्थान महेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगी। इस घर के दरवाजे दीन दुखियों और मुसीबत के मारे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वे सबकी मां थीं। लोग अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख उनसे कहने आते और वे भी परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह उसे ध्यान से सुनती और जहां तक हो सकता लोगों के कष्ट दूर करने के उपाय करती। इसीलिए जब 13 अगस्त सन 1795 को महेश्वर के उसी घर में उनका निधन हुआ, तब ये दुखद समाचार बिजली की तेजी से चारों ओर फैल गया। हर व्यक्ति ऐसा अधीर था जैसे उसकी सगी मां चल बसी हो। होलकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व, संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम केवल मराठों के ही नहीं बल्कि समूचे भारत के इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ है। अहिल्याबाई होलकर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार वी एम बडोला, नीरज शर्मा, जैमिनी कुमार, वीना होरा, अभय भार्गव, सुरेंद्र सेठी, बी आर एल सक्सेना, पल्लवी सरन, ध्वनियांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।